आदर्श आदर्श की ऑल इंडिया रैंक 368। हैं और ये गुलबर्गा डिवीजन का टॉपर है। इसके लिए बीदर वालों को, शाहीन के सारे इनके फ्रेंड्स को, स्टाफ को, आदर्श को, उनके पेरेंट्स को मुबारकबाद दूंगा। छोटे से मुकाम से आए हैं, हुमनाबाद से आगे 25 किलोमीटर पे है। इनके फादर एक छोटी सी दुकान अपने घर के कमरे में चलाते हैं और ये बच्चा इंडिया के टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लेने के काबिल हुआ है। इसके लिए मैं आदर्श को भी मुबारकबाद दूंगा। और आदर्श प्रैक्टिस करेंगे, ये हॉनेस्ट प्रैक्टिस करेंगे, एथिकल प्रैक्टिस करेंगे, ये हम आदर्श से उम्मीद कर रहे हैं। और ये हेल्थ इंडस्ट्री में एक चेंज का जरिया बनेंगे, एक चेंज का जरिया बनेंगे। आप बहुत बहुत मुबारक, माशाल्लाह। आदित्य के 687 मार्क्स के साथ 942 रैंक है। नीट 2023 में शाहीन इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए कामयाब होने वाले तमाम स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को और फैकल्टी मेंबर को, सपोर्ट स्टाफ को मैं मुबारकबाद दूंगा। इस साल बहुत ही अच्छा शानदार रिज़ल्ट आया है और हमको उम्मीद है कि 500 से ज़्यादा स्टूडेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में, MBBS में एडमिशन हासिल कर लेंगे, जो अब तक हम 3,500 स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भेजने में कामयाब हुए हैं। और इसमें एक केसेट का रिज़ल्ट जो आज आया है, उसमें ऑल कर्नाटका 7th रैंक हमारा स्टूडेंट आदित्य हासिल किया है। और नीट में 2023 में आदर्श नाम का एक बच्चा, जो हुमनाबाद के करीब एक छोटे से देहात से ताल्लुक़ रखता है, उसके वालिद एक छोटी सी किराने दुकान चलाते हैं, वो गुलबर्गा डिवीज़न का, इस रीजन का टॉपर है और जिसके रैंक है 368 रैंक, ऑल इंडिया रैंक है, और उसको उम्मीद है कि किसी अच्छे एम्स कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। साथ ही साथ, जैसा कि हम कोशिश कर रहे थे गुज़िश्ता 15 साल से हाफिज़ों को असली तालीम से जोड़ना, हिफ्ज़ुल कुरान प्लस के उनवान से काम हो रहा था और उसको हम अब बड़े पैमाने पर मदरसा प्लस के उनवान से चला रहे हैं। मुल्क भर में 60 सेंटर्स कायम किए हैं और 5,000 हुफाज को असली तालीम से जोड़ने का मंसूबा है। इसमें हाफिज़ों को 18 महीने में NIOS के ज़रिए 10th स्टैंडर्ड पास किया जाएगा। मदरसे के लोग वहां पर बच्चों की मेज़बानी करेंगे, यानी उनके रहने का, खाने का, उनकी निगरानी का इंतज़ाम करेंगे और शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन टीचर्स का इंतज़ाम और उनकी सैलरी का इंतज़ाम करेगा और इस तरह से उनको असली तालीम से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। मैं मुल्क भर के हुफाज को उसको दाखिले के लिए ख्वाहिश करूँगा और खैरख्वाह हजरात, NGOs के ज़िम्मेदार, उलमाए इकराम, मदारिस के ज़िम्मेदारों से भी ख्वाहिश है कि ऐसे हुफाज की रहनुमाई करें और एडमिशन कराएँ। अल्हम्दुलिल्लाह नीट 2023 में 80 हुफाज हैं जो मुख्तलिफ मेडिकल कोर्सेस में एडमिशन हासिल करेंगे और MBBS कोर्स में ऐसे ही हाफिज़ जो कभी ज़िंदगी में एडमिशन स्कूल नहीं गए थे, वो गवर्नमेंट फ्री मेडिकल सीट हासिल कर रहे हैं। 5 हुफाज 600 से ज़ायद मार्क्स हासिल किए हैं और एक बड़ी तादाद हुफाज की अब असली तालीम से जुड़ रही है। हम चाहते हैं कि ये मैसेज मुल्क भर के तमाम हुफाज तक पहुँचे।